नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बिरसिंहपुर पाली से 135 कांवड़ियों का जत्था बोलबम के लिए रवाना हुआ। गौरतलब है कि सभी कांवड़िये धार्मिक यात्रा के पूर्व स्थानीय साईं बाबा मंदिर पहुंचे, जहां सभी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। वहीं साईं कांवड़िया सेवा समिति के द्वारा सभी कांवड़ियों को गमछा प्रसाद का वितरण किया गया। कांवड़ियों ने बोलबम का नारा लगाते हुए नगर का भ्रमण कर माता बिरासिनी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। सत्रहवां वर्ष है। 17 वर्ष से लगातार 125 से 135 लोग जाते हैं। ये जत्था यहाँ से उत्कल एक्सप्रेस से कटनी उतरेगा। कटनी से दूसरे ट्रेन बदल करके सुल्तानगंज में उतरेंगे और सुल्तानगंज से जल लेकर के बाबा धाम जाएंगे। हर वर्ष साईं कांवरिया ग्रुप जो है, इसके संरक्षक संजीव खंडेलवाल जी, उनकी धर्मपत्नी जो आज हम सबके बीच में नहीं है, उनका आकस्मिक निधन हो गया है। वो इसकी संरक्षिका होती थी और हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। भगवान की यात्रा में हर एक सुख खुशी में मिलता है। ऐसे कितने लोग हैं जो लगातार इतने वर्ष हमारी जितनी भी 135 लोग हैं, ये पुराने लोग हैं पूरे, ये हर वर्ष प्रतिवर्ष की भांति हर वर्ष जा रहे हैं। इन सभी का मेरे ख्याल से कुछ लोगों का होगा जो पहला दूसरा होगा, कुछ का 4-5 होगा, कुछ का 6-7 होगा। ऐसे कुछ लोग हैं जिनका कम है और कुछ हमारे सीनियर भी हैं जो हमसे ज़्यादा जाते हैं, पर हम जो है लगातार ये 17वां वर्ष जा रहे हैं। उमरिया से प्रदीप त्रिपाठी, दीपू की रिपोर्ट।